start with balancing of trading account, profit and loss and balance sheet. Trading account, profit and loss and balance sheet का balancing करना है. Trading account का credit side total करना है. Trading account credit side total 4,96,000. 4,96,000. इसको सेम लाइन पे डेबिट साइड पे लिखना है. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड टोटल 4,96,000. इसमें से ये डेबिट साइड माइनस करना है. 4,96,000 में से ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड ये माइनस करना है. डिफरेंस को लिखना है 2. ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड लिखना है 2. ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन. तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है आपका 1,60,000. ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर है 1,60,000. 1,60,000. ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल क्या है? 4,96,000. ये 4,96,000 में से ये डेबिट साइड पूरा माइनस किया है. तो 4,96,000 माइनस द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग. तो डिफरेंस को लिखा है 2. ग्रॉस प्रॉफिट, 2. ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन 1,60,000. 1,60,000. ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट इसको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड ऑन द फर्स्ट लाइन. प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,60,000 आउटसाइड कॉलम. ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड फर्स्ट लाइन बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,60,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड टोटल 1,64,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल 1,64,000. ये सेम लाइन पे डेबिट साइड पे लेना है. इसमें से ये डेबिट साइड पूरा माइनस करना है. माइनस करके डिफरेंस को लिखना है 2. नेट प्रॉफिट कैरी डाउन. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखना है 2. नेट प्रॉफिट कैरी डाउन. तो नेट प्रॉफिट जो है ये आ रहा है 48,700. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड जो है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड है 1,64,000. इसमें से ये पूरा डेबिट साइड माइनस करना है. तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड पूरा माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है इसको आपको लिखना है 2. नेट प्रॉफिट कैरी डाउन. 2. नेट प्रॉफिट कैरी डाउन अमाउंट आ रहा है 48,700. 48,700. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट है 48,700. ये नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में ऐड करना है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में ऐड करना है. प्लस
नेट प्रॉफिट, इनर कॉलम में 48,700, नेट प्रॉफिट है 48,700, इसको बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में ऐड करना है, नेट प्रॉफिट 48,700, तो कैपिटल प्लस प्रॉफिट इसका टोटल करना है, कैपिटल प्लस प्रॉफिट इसका टोटल करना है, टोटल आ गया 2,44,700, कैपिटल प्लस प्रॉफिट इसका टोटल, इनर कॉलम में, इनर कॉलम में 2,44,700, इसमें से ड्रॉइंग्स माइनस करना है, ड्रॉइंग्स माइनस करके आउटसाइड कॉलम में लिखना है 2,07,700, कैपिटल प्लस प्रॉफिट इसका टोटल है 2,44,700, 2,44,700, इसमें से ड्रॉइंग्स को माइनस करना है, तो ड्रॉइंग्स का अमाउंट है 37,000, ये माइनस करना है, माइनस करने के बाद आउटसाइड कॉलम में 2,07,700, 2,07,700, 2,07,700, 2,07,700, एंड नाउ बैलेंस शीट टोटल, अभी आपको बैलेंस शीट का टोटल करना है, बैलेंस शीट का एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड, ये टोटल आपका इक्वल आना चाहिए, बैलेंस शीट टोटल ऑफ एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड शुड बी इक्वल। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड आ रहा है 2,52,700, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड टोटल 2,52,700, ये सेम टोटल एसेट साइड का भी आना चाहिए, बैलेंस शीट टोटल जो है ये आ रहा है 2,52,700, बैलेंस शीट का एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट का एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड, ये दोनों टोटल आपका इक्वल आ रहा है 2,52,700,